समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा उप जिलाधिकारी कोर्ट पहुंची, जहां हमसफर रिजॉर्ट में रास्ते को लेकर उनकी जिरह थी। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। अब इस केस में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। मैडम आज कोर्ट आई है, किस मामले में, क्या मामला है? हम सफर रिजॉर्ट के मुताबिक मामला था, उसका बयान हो गया। किस चीज का बयान था मैडम और क्या रहा? हम सफर रिजॉर्ट के मामले में ही बयान था। तो बयान दर्ज हो गए? हाँ जी। तो फिर अब अगली तारीख क्या दी? अच्छा, और लोगों को कोर्ट से राहत मिल रही है, आजम खान के परिवार को या आजम खान को क्यों अभी तक राहत नहीं मिली, क्या कहना है? देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। अभी जयप्रदा, हाल ही में जयप्रदा को आचार संहिता मामले में अदालत ने बरी कहा है, और भी लोग थे, मगर आजम खान या उनके परिवार को अभी राहत नहीं मिल रही, इसको कुछ लेकर कहीं हमें जब राहत मिलेगी, जब अल्लाह का हुक्म होगा। वहीं इस विषय पर सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि तंजीन फातिमा से आज एसडीएम कोर्ट में जिरह होनी थी और वो जिरह के लिए माननीय न्यायालय में उपस्थित हुई थी। इसमें हमसफर रिजॉर्ट में कुछ सरकारी जमीन थी, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, जिसमें प्रशासन ने जांच कराई थी और उसमें जो जांच रिपोर्ट आई उसमें ये पाया गया था कि घाटा संख्या 164 जो राजस्व रिकॉर्ड में खाद के गड्ढों के रूप में दर्ज थी और घाटा संख्या 165 और 166 जो नॉन ZA हैं रास्तों के रूप में दर्ज थी। तंजीन फातिमा जी से आज जो है SDM कोर्ट में जिरह होनी थी और वो जिरह में माननीय न्यायालय में उपस्थित हुई थी। क्या जिरह हुई, क्या मामला, क्या था इसमें? दरअसल ये था कि हम सफर रिसोर्ट में कुछ सरकारी जमीन जो थी वो कब्जा कर लिया गया था सरकारी जमीनों पे, और इसमें प्रशासन ने जांच कराई थी और जांच में जो जांच रिपोर्ट आई उसमें ये पाया गया था कि घाटा संख्या 164 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में खाद के गड्ढों के रूप में दर्ज थी और घाटा संख्या 165 और 166 जो नॉन जेडे रास्तों के रूप में दर्ज थी, उन पर इनलीगल इनक्रोच जो था वो हमसफर रिसोर्ट का पाया गया था और इसके आधार पर दो मुकदमे पृथक पृथक दर्ज हुए थे। जो खाद के गड्ढे थे उनकी कार्रवाई धारा 67 राजस्व संहिता के अंतर्गत जो है तहसीलदार न्यायालय में की गई थी, और इसके अलावा घाटा संख्या 165 और 166 जो नॉन जेडे रास्ते के रूप में दर्ज थे उनकी कार्रवाई यहाँ पीपी एक्ट में SDM सदर की कोर्ट में चल रही है, और उसके संबंध में चूंकि ये जो हमसफर रिसोर्ट है ये अब्दुल्ला आजम खां, तंजीन फातिमा और अदीब आजम खां की लैंड पर निर्मित है, और इसीलिए पीपी एक्ट के तहत इन तीनों लोगों को नोटिस भेजे गए थे जिसमें एज ए प्रोपराइटर। दरअसल आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में कुछ सरकारी जमीन को लेकर शिकायत की गई थी। इस शिकायत को लेकर तहसील प्रशासन ने कमेटी बनाकर जांच कराई थी। जांच में ये पाया गया कि 3 घाटा संख्या है जो आजम खान ने अपने निजी हमसफर रिजॉर्ट में मिला ली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।